हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक्वागार्ड। एक्वागार्ड अगर आप नाम आपने सुना होगा, जहाँ जहाँ आरओ लगे हैं वो लोग एक्वागार्ड को जरूर जानते होंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे मार्केट में जो आरओ वाटर प्यूरिफायर जितने भी हैं वो एक्वागार्ड के नाम से आपने सुने होंगे। यूरेका, फोर्ब्स, एक्वागार्ड, यही नाम चलता है मार्केट में, लीडर है ये। मतलब ये मान के चलिए जिस तरीके से IRCTC की मोनोपोली थी, उस तरीके की से एक्वागार्ड की आप कह सकते हो कि मार्केट में लीडरशिप है। मार्केट में लीडरशिप होना किसी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये जा रहा है अपनी वैल्यू को अनलॉक करने। अब वैल्यू को अनलॉक करने मतलब रियल वैल्यू, तो तब पता चलेगी जब जो इन्वेस्टर है वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। मान लीजिए कि 100 रुपये पे ये अपनी वैल्यू दिखाता है और इंटरेस्टेड, जैसे IRCTC ने अपनी 310 रुपये की वैल्यू दिखाई और वैल्यू जब अनलॉक हुई तो वो 900 के पार चली गई। तो इसी तरीके से एक्वागार्ड भी तैयार है अपनी वैल्यू को अनलॉक करने के लिए। मार्केट लीडर है, दूसरा IRCTC होने वाला है, तो मैं कहूँगा रेडी हो जाओ इस IPO के लिए। खबरें आने लग गई है, IPO कब आएगा वो डिटेल्स आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी, लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स आ रही है उनको देखिए एक नज़र। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और रेडी हो जाओ से मेरा मतलब है जो IPO हॉट होता है, जो IPO हिट होता है, उस IPO में सब्सक्रिप्शन जो होती है, जो आप अप्लाई करते हो तो आपकी जो अलॉटमेंट होती है उसमें आपको मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और उस चांस को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के जो है डीमैट अकाउंट पहले से रेडी करके रखो। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना और सीधे डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिए। 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो आप हो जाओगे रेडी IPO के लिए। फिर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी IPO में, और आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के थ्रू एक एक लॉट अप्लाई करना फायदेमंद रहता है जब बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले IPOs की। तो देखिए एक्वागार्ड के बेसिक डिटेल जानते हैं, सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक की तरफ, कंपनी की तरफ। आप इस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, eurekafobbs.com, eurekafobbs यानी कि आपका अपना एक्वागार्ड। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने बना रखी है, क्योंकि इसका जो RO UV टेक्नोलॉजी वाला जो है, देखिए 600 रुपये से लेके 30,000 29,000 की रेंज तक आता है। तो इसीलिए ये जबरदस्त मैं कहूँगा लीडरशिप वाला, मार्केट लीडर वाला शेयर है। अब आप देखिए किस तरीके से इसके वाटर प्यूरिफायर में तो मार्केट बनी ही बनी है, साथ के साथ इसकी डिटेल्स आप देखोगे तो वैक्यूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर तो अलग अलग हैं, डॉक्टर एक्वागार्ड, एक्वागार्ड, एक्वाश्योर, एक्वासॉफ्ट, और उसके अलावा यहाँ पे देखोगे वैक्यूम क्लीनर्स में भी इसकी बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। और साथ के साथ एयर प्यूरीफायर्स आप देख रहे हो कि दिल्ली में किस तरीके से जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसके चलते लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है और लोग घर घर में अब एयर प्यूरीफायर लगाने लग गए हैं, और इसीलिए यहाँ पे एयर प्यूरीफायर की बिक्री बढ़ती जा रही है और कमाई कर रहा है एक्वागार्ड यानी कि यूरेका फोर्ब्स। और अगर आप पुराना ट्रेंड उठा के देखें तो वो IPO काफ़ी हिट होते हैं, जो मार्केट लीडर होते हैं, जिनकी मोनोपोली होती है, जिनका मार्केट शेयर ज़बरदस्त होता है और उनकी वैल्यू रियल में अनलॉक होती है और दिखता है इन्वेस्टर, क्योंकि उनके नाम को जानते हैं और उसके नाम के दम पे वो पैसा लगाते हैं। एक छोटा छोटा रिटेल इन्वेस्टर भी वहाँ पे पैसा लगाता है। अगर आप देखो एक्वागार्ड, अगर आप इंडिया के मिडिल क्लास फैमिलीज जो सिटीज़ में रह रही है, जो RO को यूज कर रही है, वाटर प्यूरिफायर्स यूज कर रही है, वो एक्वागार्ड का नाम जरूर जानते होंगे। एक्वागार्ड जिस तरीके से आप पहले से कहते थे टूथपेस्ट के नाम पर, आप कहते थे भाई कॉलगेट ला दो, ऐसी मार्केट बना रखी थी, वैसे ही वाटर प्यूरिफायर में आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज की, जैसे हैवल्स के एंड ऑल के वाटर प्यूरिफायर एंड ऑल आने लग गए, बट जो जो लीगेसी है वो लीगेसी मेंटेन कर रखी है एक्वागार्ड ने। और इसका आप मार्केट शेयर देख के चौंक जाओगे, ज़बरदस्त मार्केट परसेंटेज इसकी है पूरे वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर एंड वैक्यूम क्लीनर्स के बिजनेस में। तो भाई मार्केट में आने वाला है IPO, लेके एक नज़र डालते हैं हम ये यूरेका फोर्ब्स IPO इन द वर्क्स एज पेरेंट आइज वैल्यू अनलॉकिंग। पेरेंट कौन है इसका, देखिए अभी पेरेंट ने एक दूसरा IPO भी लेके आया था, सपूर जी पलौंजी ग्रुप का ये IPO। और सपूर जी पलौंजी ग्रुप नाम देखिए किसका, अभी बताते हैं डिटेल में। तो देखिए जो इसकी यूनिट है फोर्ब्स एंड कंपनी, उसकी अनलॉकिंग वैल्यू हो रही है अभी। करंटली सपूर जी पलौंजी ग्रुप में 100% सब्सिडरी है
सपोर्ट जी पलंजी ग्रुप की 100% वाली सब्सिडियरी यूरेका फोर्ब्स है, बहुत ही बेहतरीन। अब जो कंपनी कह रही है कि भैया हम लिस्टिंग करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, सेल करेंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों चीज़ें करेंगे इस आईपीओ में, बहुत ही ज़बरदस्त। द कंपनी बोर्ड हैज़ ऑथराइज्ड द मैनेजमेंट टू इवेल्यूएट अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड अदर अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू इनेबल एन इवेंचुअल लिस्टिंग ऑफ यूरेका फोर्ब्स। और पर्टिकुलर इसी सब्सिडरी की जो है वो लिस्टिंग की जा रही है, आईपीओ लेके जा रहा है, क्योंकि इसको इंडिया में घर घर में लोग पहचानते हैं। एक्वागार्ड जब इसका आईपीओ आएगा तो मचाएगा धमाल। द ब्रांड एम्बेसडर हैज़ बीन प्रेजेंट इन द इंडियन मार्केट फॉर, ये ब्रांड जो है वो देखिए 37 ईयर्स से ये इंडियन मार्केट में है। उससे पहले तो इंडियन मार्केट में वाटर प्यूरीफायर यूज ही नहीं हुआ करते थे। और जो इसका मेजर पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर प्यूरीफायर, वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरीफायर और साथ के साथ होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ प्रेजेंट अ ग्लोबल प्लेयर, दिस इज अ ग्लोबल प्लेयर एंड इट्स बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओवर 35 कंट्रीज ग्लोबली। तो बहुत ज़बरदस्त आपको लग रहा होगा। अ कंपनी स्टेटमेंट सेड यूरेका फोर्ब्स इज द मार्केट लीडर इन वैक्यूम क्लीनिंग, मार्केट लीडर है, 89% का मार्केट शेयर इसका है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर आप देखें अभी यूरेका फोर्ब्स का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो था कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वो 2388 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 19 का, बहुत ही ज़बरदस्त। और माना जा रहा है, रिसेंट रिपोर्ट सेड इट इज़ लुकिंग टू बिकम अ $1 बिलियन कंपनी इन नेक्स्ट 5 ईयर, तभी आईपीओ लेके आ रही भाई। द कंपनी कस्टमर बेस इज 19 मिलियन एंड ब्रांड हैज़ नेटवर्क ओवर 1800 बिजनेस पार्टनर। 19 मिलियन आप समझ लीजिए, 1 मिलियन जो होता है वो होता है आपका 10 लाख, और 19 मिलियन से मतलब 1.9 करोड़। अब आप देखिए कितना 19 मिलियन है, ये 2 मिलियन नहीं, 19 मिलियन, 1.9 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ को टच करने वाला। और 1800 बिजनेस पार्टनर है, 7500 सर्विस इंजीनियर है। एक बार आरओ लगा दिया तो भाई उसमें साल दर साल आपको कमाई मिलती रहती है वारंटी के बाद, तो इसीलिए भाई वो सर्विस का भी कमाते हैं, नॉट ओनली प्रोडक्ट सेल, ये सर्विस का भी कमाते हैं। तो इसीलिए आप ये देखिए कि एवरग्रीन सेल है, एवरग्रीन कमाई है यूरेका फोर्ब्स की। यूरेका फोर्ब्स हैड नियरली 60% शेयर ऑफ द एंटायर वाटर प्यूरीफाई, 60% शेयर इसका है, बाकी 40% बाकी प्लेयर्स का है। और अराउंड 4500 करोड़ का जो है रिवेन्यू, बहुत ही ज़बरदस्त बात भाई। सपूर पी मिस्त्री, चेयरमैन जो इसके हैं मिस्त्री जी, देखिए कभी टाटा के चेयरमैन हुआ करते थे मिस्त्री, यहाँ पे सपूर पी मिस्त्री जी, फोर्ब्स एंड कंपनी सेड ब्रांड्स सेल सर्विस एडवांटेज कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड रिसेंट एक्सपेंशन इनटू ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, इसकी वेबसाइट दिखा दी, जहाँ से कोई भी यहाँ से ओपन कर सकता है। तो आज की डेट में कोई भी है डायरेक्टली, मतलब सिटीज़ की बात करें तो ऑफलाइन जाके स्टोर पे ख़रीदना बहुत कम लोग हो चुके हैं ऐसे, जो भी चाहता है। देखिए भाई अमेजोन पे मिल रहा है, वेबसाइट पे मिल रहा है, वहाँ से ख़रीदो। तो ये नेटवर्क इसका बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। तो ये जो आईपीओ आ रहा है, आने वाला है, तो इसके लिए तैयार रखें, खबरें आने लग गई हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त हिट ये आईपीओ होने वाला है। सपूर जी पलोंजी ग्रुप का यूरेका फोर्ब्स यानी कि आपका एक्वागार्ड का आईपीओ, यूरेका फोर्ब्स आईपीओ कहो या एक्वागार्ड आईपीओ कहो, ज़बरदस्त मार्केट पकड़ने वाला है ये। तो ध्यान रखें सपूर जी पलोंजी ग्रुप, $10 बिलियन का पोटेंशियल है इस ग्रुप में भाई। अभी इनका जो सपूर जी पलोंजी ग्रुप का जो सोलर सेगमेंट है यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, उसका अभी रिसेंटली जो है वो आईपीओ आया था। उस आईपीओ ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिली, कितना परफॉर्मेंस दिया था, कितना सब्सक्रिप्शन उसका हुआ था, देखिए एक गुना भी पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था। प्राइसिंग से नीचे अगर आप प्राइसिंग देखें, 332 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, कितना 332 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी किस लेवल पे, इसने मार्केट में 775 के लेवल पे एंट्री करी थी। लेकिन सपूर जी पलोंजी ग्रुप का जो एक्वा गार्ड है वो ज़बरदस्त, वो बड़ा प्लेयर है भाई, तो इसीलिए इसको ध्यान दें और समझें। इसीलिए इसी पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे हम आईपीओ में लेके आया जा रहा है ताकि ये वैल्यू अनलॉक हो। चलिए ये अपडेट थी, नया आईपीओ जो आने वाला है उसकी खबर थी। उम्मीद करता हूँ इसका आईपीओ की डेट्स भी जल्दी रिवील हो ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी अपनी राय।
कैसा जाएगा एक्वागार्ड यानी कि यूरेका फोर्ब्स का आईपीओ, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।